हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेमन सिक्का। सो आज दुर्गा पूजा घूमने निकले हैं हम लोग हस्बैंड जी के साथ। मैं, नायरा, त्रियांश और हस्बैंड जी, हम लोग चारों निकले हुए हैं। तो कदमा आए हैं देखने के लिए दुर्गा पूजा, और नायरा यहाँ पे खुश हो रही है क्योंकि उससे मेला घूमने में मज़ा आ रहा है। हाथी लगता है कदमा का पंडाल देखने के बाद। फिर हम लोग आ गए थे रानी कुदर। यहाँ पे भी हर साल बहुत ही अच्छा पंडाल बनता है, और इस साल भी बहुत ही सुंदर पंडाल बना हुआ था। फैन लगा हुआ है, मटका लगा हुआ है, ये देखो पानी गिर रहा है। तो फिर रानी कुदर का देखने के बाद हम लोग आ गए थे आदित्यपुर पूजा पंडाल। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हमने बस बाहर से ही देखा, अंदर नहीं गए। फिर हम लोग आ गए थे एस टाइप वाला पंडाल देखने के लिए। यहाँ पे भी हर साल अच्छा पंडाल बनता है, तो इस साल भी अच्छा बना हुआ था। एंड यहाँ पे करतब दिखा रही थी लड़की जो होती है ना वहाँ पर। इस बार बहुत जगह ये ऐसा करतब दिखाने वाले लोग लगे हुए थे। एंड आजकल ना ये सब देखने को मिलता नहीं है, बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। सो बहुत अच्छा लगता है अगर देखो तो। सो पंडाल के अंदर आ गए थे, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था, माता की प्रतिमा बहुत ही सुंदर थी। और फिर यहाँ पर नायरा के लिए मैंने लिया ये चक्री वाला, इसको नायरा देखकर बहुत खुश हो गई थी। नायरू सामने जाओ, डर लग रहा था। चलो पापा के पास, पापा कहाँ हैं? देखो त्रियांश उड़ गया है। हाँ वो नहीं पता क्या है बेटा। नायरू भी आ गई है, नायरा का चक्री घूम रहा है। तो फिर हमने ज़्यादा पंडाल नहीं देखा था क्योंकि मौसम ख़राब होने लगा था। तो फिर हम लोग आ गए थे घर। एंड फिर नेक्स्ट डे था सप्तमी, बट हमें ऐसा लगा कि पुष्पांजलि हो रहा होगा करके, तो फिर हम लोग तैयार होकर चले गए थे पुष्पांजलि देने के लिए। नायरू तो यहाँ पर नायरा को उसके पापा सैंडल पहना रहे हैं। सो नायरा बड़ी खुश हो रही थी, बट ना मैंने बोला कि बेटा पापा को किसी कर दो, पापा इतना प्यार से आपको सैंडल पहना रहे हैं। तो मम्मा कैमरा बंद कर, उसके बाद ही मैं किस करूँगी। तो यहाँ पर नायरा भी न्यू ड्रेस पहनकर, सैंडल पहनकर तैयार हो गई है दुर्गा पूजा की पुष्पांजलि देने के लिए। सो हम लोग तैयार होकर गए तो थे, बट आज मतलब सप्तमी वाला दिन गए थे। इस बार ना थोड़ा वैसा हो गया था कंफ्यूजन सप्तमी अष्टमी और नवमी को लेकर। तो यहाँ पर हम लोग अष्टमी सोच कर गए, बट था सप्तमी। सो पुष्पांजलि नहीं दे पाए हम लोग। फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर गए थे पुष्पांजलि देने के लिए। बुआ के पास जाओ, बुआ के पास। क्या डालोगे? पैसे निकालिए अपना।
जाओ उधर से, जाओ अंदर से, अंदर से जाओ, पकड़ लीजिए चाची। सो शाम में ना फिर हमारे घर के पास ना भूख बाप रहती है हमारे सब मिलकर, रेंट वाले और मेरे देवर इन लोग मिलकर। सो सब लोग जो भी रोड पर चलने वाले थे सब भोग खा रहे थे, बहुत ही अच्छा भोग बना था। एंड नायरा भी खूब भोग को एंजॉय कर रही थी, प्रसाद को। और यस मैं जा रही हूँ, चलिए कम। फिर नेक्स्ट डे सुबह ही अष्टमी था, तो मैं और मेरी ननंद खुशबू हम लोग दोनों सुबह उठकर पुष्पांजलि देने गए, क्योंकि आज नवमी भी था तो हम लोग में नया धान खाया जाता है, तो इसलिए हमने सुबह ही जाकर पुष्पांजलि दे दिया था। हो गया हमारा पुष्पांजलि अष्टमी का। नाक तो गिरा लगा ना मेरा, हाँ। तेरा भी गिरा अच्छा होता है, बोलता है ना नाक तो गिरना, हाँ लकी होता है लकी। इतना लेट में तैयार हो जाने का मतलब तेरा सुबह जैसे दिया मुझे पानी पिलाने से मतलब था कल भी नहीं दे पाए थे हम लोग। गाइस अभी बहुत कोई लड़कियाँ रेडी होकर पूरा मेकअप वेकअप करके आ रही है, बट फ़ायदा क्या हो रहा है क्योंकि पुष्पांजलि तो ऑलरेडी सब जगह का हो गया। नहीं कहीं कहीं पे जो रामकृष्ण मिशन वाला मान रहे हैं उन लोग का भी 11 बजे से होगा पंडाल। चलो अभी सब पुष्पांजलि देने वाले लोगों का ही भीड़ था खाली, हाँ। मेरे को उसका फ़ोटो लेना था भारत रतन टाटा का। पंडाल में ऐसा श्रद्धांजलि दिया गया है हमारे रतन टाटा जी को। अष्टमी को पुष्पांजलि देकर घर आ गए थे। अभी आज हमारा ना नया धान खाया जाता है, जो लोग देवता होते हैं तो नवमी के दिन खाया जाता है, तो आज नवमी भी है। सभी जा रही हूँ, मम्मी सारा कुछ बना चुकी है, थोड़ा बहुत हेल्प कर दूँगी मम्मी जी का। एंड नायरा और उसके पापा दोनों सोए हुए, प्रियांश को भी सुला दिया है, सो जाती हूँ नवमी का तैयारी करती हूँ। सो नवमी का दिन था, नया धान खाना था, और हम लोग ना नायरा को हर नवरात्र में ना उसका पूजन करते हैं, कन्या पूजन, मतलब नौ कन्या को तो नहीं बुला पाते हैं, तो हम लोग अपनी बेटी को ही माता रानी के रूप में पूजन करते हैं। तो आगे ना अभी मैंने उसको तैयार कर दिया नायरा को, तो सब लोग देखकर नायरा को खुश हो रहे हैं। सो आगे हम लोग नया धान का जो अपने देवता का पूजा होता है ना कुल देवता का, उनका पूजा करेंगे, उसके बाद फिर नायरा का पूजा करेंगे।
सबसे शॉर्टकट हमारे काम दादी पड़ते हैं। तुम पैसा नहीं दे कीजिए हाँ उधर से कीजिए ना नहीं आप नहीं आ रहे वीडियो पे हाँ हाँ से कीजिए खाना माता रानी को सब खिला अच्छा चबा लो आगे चबा लो माता रानी आशीर्वाद दिए पापा को पैर छू लिए मेरे को नहीं दिया माता रानी ने बस जल्दी से फूफा है राइट हैंड जल्दी से फूफा है बजेगा बताओ तो मेरे सर आशीर्वाद लेते हैं दे हमको भी आशीर्वाद दे तो दादी को भी आशीर्वाद हेल्दी रहे बोल दो हेल्दी रहे कुछ नहीं खाली मुस्कुराई दे मन ने बोला हां दिया तो हां थोड़ा खा माता रानी
फिर कन्या पूजन करने के बाद ना यहाँ पे सारे लोग घर के जितने भी लोग हैं सब बैठकर नया धान खा रहे हैं। सो आई होप कि ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पे।